दीक्षा मल्टीमीडिया प्रस्तुत करते हैं अलादीन का चिराग। मैं इस चिराग का जिन हूं, कहो मेरे आका क्या हुक्म है। ये एक जादुई चिराग है, इसे जरा घिसो कि तुरंत एक भयानक जिन प्रकट हो जाएगा। अब इसे कोई भी हुक्म दो, ये जिन पलक झपकते पूरा कर देगा। इस चिराग का पता केवल उस अफ्रीकी जादूगर को था जिसने एक जादुई किताब में पढ़ा था कि चिराग कहाँ रखा है। उस किताब में ये भी लिखा था कि चिराग किसी दूसरे के हाथ से ही लिया जा सकता है। जरूरी तो नहीं कि जिससे मैं ये चिराग मंगवाऊं वो मुझे दे ही दे। हाँ, ये काम मुझे किसी बच्चे से कराना चाहिए। हाँ, और वो मुझे चिराग दे देगा और मैं संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाऊंगा। बेटा बात सुनो। जी। वो बच्चा कौन है? वो मेरा दोस्त अलादीन, मुस्तफा चचा का बेटा। मुस्तफा? कौन मुस्तफा? मुस्तफा दर्जी। कहाँ रहते हैं? वो वहाँ। ओह, मर गए? कब? पिछले साल। बस काम बन गया, मैं मुस्तफा दर्जी का भाई बन जाता हूँ। जरा अपने दोस्त को तो मेरे पास भेजो। जी, भेजता हूँ। आ मेरे बच्चे, मेरे भाई की इकलौती निशानी, मेरे सीने से लग जा। मगर आप कौन हैं और रो क्यों रहे हैं? मैं तेरा बदनसीब चचा हूँ बेटा। तेरे पैदा होने की खुशखबरी मुस्तफा ने मुझे भिजवाई थी। बहुत खुश था बेचारा, मगर तेरी खुशियाँ देखनी उसके नसीब में नहीं थी बेटा। चलिए घर चलिए चचा जान। चलो बेटा। लीजिए चचा जान, शरबत पीजिए। भाभी जान, कैसी हैं आप? खुदा का शुक्र है भाई साहब, वो जिस हाल में रखे। इससे पहले मैंने कभी आपको देखा नहीं। 40 बरस पहले मैं वतन से बाहर चला गया था, आज ही लौटा हूँ, इसीलिए आपसे मिलना नहीं हुआ। हाँ बेटा अलादीन, ये लो, कुछ फल हैं तुम्हारे खाने के लिए। अरे, ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? कैसी गैरों की सी बातें करती हैं भाभी। अलादीन मेरा भी तो बेटा है, मैं कल इसे बाजार लेकर जाऊंगा और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दूंगा। अरे इसे ये भी तो समझाइए कि आवारा लड़कों के साथ खेल कूद छोड़कर कोई काम सीखे, ताकि दो वक्त की रोटी का आसरा तो हो। आप ठीक कहती हैं भाभी, मैं 2-4 दिन में ही इसे कोई दुकान खुलवा दूंगा, उसमें ढेर सारा माल भरवा दूंगा। मगर दुकान चलाएगा कौन? अलादीन, और कौन? आप देखना, एक दिन यही आपका सहारा बनेगा। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। अलादीन, तुम बाजार चलने के लिए तैयार रहना। अगले दिन जादूगर अलादीन को लेकर बाजार गया। उसने अलादीन के लिए बढ़िया कपड़े और जूते खरीदे, ढेर सारी खाने पीने की चीजें खरीदी। फिर अगले दिन जादूगर अलादीन को घुमाने के बहाने शहर से बाहर ले गया।
चलते चलते वो दोनों एक पहाड़ के निकट पहुंच गए। अब अलादीन बहुत थक चुका था। चचा जान, अब वापस चले क्या? देखो, हम इन दो पहाड़ियों के बीच पहुंच गए हैं, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। तुम जरा 10-12 सूखी टहनियां इकट्ठी करो। अलादीन ने पेड़ों की सूखी टहनियां जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी एकत्र की और जादूगर के सामने धरती पर रख दी। जादूगर ने उन टहनियों में आग लगा दी, फिर अपने झोले में से एक पाउडर निकालकर आग पर छिड़कना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद धरती में कंपन हुआ और दोनों पहाड़ियों के मध्य पत्थर का एक दरवाजा प्रकट हो गया जिसमें लोहे का एक कड़ा लटका हुआ था। इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है। खजाना? हाँ, खजाना, और जो सिर्फ तुम्हारा है, जिसे कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। सच चाचा जान? हाँ, तुम पत्थर में लगे लोहे के कड़े को मजबूती से पकड़कर अपने बाप को याद करो, ये पत्थर अपनी जगह से सरक जाएगा। चाचा जान, पत्थर के सरकते ही नीचे सीढ़ियां नजर आने लगी हैं। तुम इन सीढ़ियों से नीचे चले जाओ। नीचे? हाँ, सीढ़ियों के बाद तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा जो खुला होगा। उस दरवाजे से होकर तुम 3 बड़े कमरों से गुजरते हुए एक बाग में पहुंचोगे। याद रखो, अगर तुमने किसी चीज को भूले से भी छू लिया तो तुरंत पत्थर के बन जाओगे। बाग में पेड़ों पर कीमती फल लगे होंगे। बाग में से गुजरते हुए तुम उस जगह पहुंच जाना जहां एक ताक में चिराग जल रहा होगा। तुम उस चिराग का तेल फेंककर उसे बुझा देना और चिराग लेकर वापस चले आना। ये अंगूठी बहुत मुबारक है, इसे पहनकर तुम्हें डर नहीं लगेगा और जिस काम के लिए जा रहे हो वो जरूर पूरा होगा। जाओ जाओ। अलादीन ने अंगूठी पहन ली और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सभी कुछ वैसा ही था जैसा जादूगर ने उसे बताया था। वो कमरों में से होता हुआ बाग में पहुंचा जिसके पेड़ कीमती फलों से लदे हुए थे। अलादीन ने कुछ फल तोड़कर अपनी जेबों में भरे और वहां पहुंच गया जहां चिराग रखा हुआ था। अलादीन ने जैसे ही चिराग बुझाया, चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। अलादीन जैसे तैसे चिराग लिए गुफा के मुहाने तक पहुंचा। चचा जान, चिराग ले आए? जी चचा जान। शाबाश, लाओ लाओ चिराग, मुझे दो। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाओ, अरे चिराग फौरन दो। पहले मुझे बाहर तो निकालिए। मैं तो चाहता था कि चिराग लेने के बाद इसे यहीं जिंदा दफन कर दूंगा ताकि किसी को इस जादुई चिराग की हवा तक ना लगे, लेकिन ये लड़का तो मेरे मंसूबों पर पानी फेर देना चाहता है। चचा जान, मुझे बाहर निकालिए। जब तक चिराग मुझे नहीं दोगे तुम बाहर नहीं निकल सकते भतीजे। जब तक आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे मैं भी आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर तेरी यही जिद है तो मर यहीं पे। जादूगर गुस्से से पागल हो गया। उसने आग पर पाउडर छिड़का, पत्थर सरक कर गुफा के मुंह पर आ गया और अलादीन की चीखें उसमें दब कर गई। दो दिन तक अलादीन अंधेरी गुफा में पड़ा चीखता चिल्लाता रहा। भूख से निढाल अलादीन ने बेबसी में पत्थर के दरवाजे पर हाथ मारा तो जादूगर की दी हुई अंगूठी पत्थर से टकरा गई
और एक भयंकर आवाज के साथ एक देव प्रकट हो गया। मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ, हुक्म दीजिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे इस गुफा से बाहर निकालो और घर पहुंचा दो। घर पहुंचकर अलादीन ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। खुदा का शुक्र है कि तू बच गया, वरना उस नकली चाचा ने तो तुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस वक्त तो खाने को घर में कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। खैर, ठहर जरा, मैंने कुछ सूत काता है, इसे बेचकर तेरे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। माँ, इस सूत की बजाय इस चिराग को बेच दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, इसे ही बेच आती हूँ, मगर ये चिराग गंदा बहुत है, पहले इसे साफ कर लूँ, शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए। अलादीन की माँ ने साफ करने के लिए जैसे ही चिराग को जरा सा घिसा कि तभी एक भयानक जिन प्रकट हो गया। जिन को देखते ही अलादीन की माँ बेहोश हो गई, लेकिन अलादीन भयभीत नहीं हुआ। वो अंगूठी के देव को देख चुका था। वो समझ गया कि ये जादुई चिराग है जिसे पाने के लिए नकली चचा इतना परेशान था। मैं इस चिराग का जिन हूँ, कहो मेरे आका क्या हुक्म है। जाओ खाने के लिए कुछ लेकर आओ। जिन गायब हो गया और कुछ ही क्षण बाद ढेर सा खाना लेकर लौट आया। माँ को होश आया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे माँ, कुछ पूछो मत, बस खा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाते समय अलादीन ने अपनी माँ को बताया। माँ, ये चिराग जो मैं लाया हूँ जादुई चिराग है, एक जिन इस चिराग का गुलाम है। जब उस जिन को बुलाना हो, चिराग को जरा सा घिसो, वह फौरन आ जाएगा और जो काम कहो तुरंत पूरा कर देगा। बेटा, मुझे तो इन जिन भूतों से बहुत डर लगता है, इस चिराग को बेच ही दो तो अच्छा है। माँ, तुम तो बेकार ही घबरा रही हो, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। यूं समझो हमारी गरीबी और परेशानियों के दिन अब खत्म हुए। अलादीन ने सच ही कहा था। अब माँ बेटों को न खाने पहनने की तकलीफ थी, न किसी बात की फिक्र। कई वर्ष सुख चैन से बीत गए और अलादीन एक सुंदर युवक बन गया। सुनो सुनो सुनो, आज सुल्तान की बेटी हुस्नारा दरिया की सैर करने जाएंगी, इसलिए सभी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, ना अपने घरों से बाहर निकलें जब तक कि शहजादी वापस महल में ना लौट जाएं। ये सुल्तान का फरमान है, सुनो सुनो सुनो। हुस्नारा की सुंदरता के चर्चे पूरे नगर में थे, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। अलादीन के मन में भी उसे देखने की इच्छा जागी और वो खिड़की की ओट में छुपकर खड़ा हो गया। जैसे ही हुस्नारा पर उसकी नजरें पड़ी, वो उसका दीवाना हो गया। माँ, मैं सुल्तान की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या, सुल्तान की बेटी से? हाँ माँ, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और अगर सुल्तान ने इनकार कर दिया तो? ये तुम मुझ पर छोड़ो, तुम एक बार सुल्तान के पास जाकर बात तो करो। तू जिद करता है तो मैं चली जाती हूँ। अ
अलादीन की माँ अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुल्तान के दरबार में पहुंची। वो अपने साथ ढेर सारे हीरे जवाहरात लाई थी, जिन्हें देखकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने अपने वजीर से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है वजीर आजम? फैसला करने में जल्दबाजी मत कीजिए, 2-3 महीनों के लिए बुढ़िया को टाल दीजिए। तुम ठीक कहते हो। हाँ अलादीन की माँ, हमें तुम्हारे तोहफे पसंद आए, लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सोच लीजिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आज से 3 महीने बाद हम तुम्हें बुलवाएंगे, उसी वक्त हम शादी के बारे में तुमसे बात करेंगे। मैं सुल्तान के हुक्म का इंतजार करूंगी। वास्तव में वजीर अपने बेटे की शादी सुल्तान की बेटी से करना चाहता था, इसलिए उसने ये चाल चली थी। अलादीन 3 महीने गुजरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि एक दिन उसकी माँ ने उसे बताया, अलादीन, पूरे शहर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कैसी खुशियाँ अम्मी जान? वजीर के बेटे से सुल्तान की बेटी की शादी जो हो रही है। शादी? ये कैसे हो सकता है? उसने तो तुमसे वायदा किया था। हाँ, वायदा तो किया था, और अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। इसका मतलब है सुल्तान ने हम दोनों को धोखे में रखा और चुपचाप वजीर के बेटे से शादी तय कर दी। हो ना हो, ये उस वजीर की चाल है। क्या हुक्म है मेरे आका? सुल्तान ने अपना वायदा तोड़ दिया है और अब वो अपनी बेटी की शादी वजीर के बेटे से कर रहा है। तो फिर तुम दूल्हा और दुल्हन दोनों को यहाँ उठा लाओ। जो हुक्म मेरे आका। ये लीजिए मेरे आका। इन दूल्हा मियाँ को पलंग से उठाकर बाहर ले जाओ और सारी रात सर्दी में ठिठरने दो। जो हुक्म मेरे आका। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाप ने मुझसे तुम्हारी शादी करने का वायदा किया था, लेकिन वजीर की चाल में आकर वो अपने वायदे से मुकर गया। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। अब तुम सो जाओ, कल सुबह तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। अगली सुबह जिन ने दूल्हा दुल्हन को सुल्तान के महल में पहुंचा दिया, ऐसा लगातार 3 रातों तक होता रहा। इस घटना से हुस्नारक और वजीर का बेटा दोनों बुरी तरह भयभीत हो गए। हुस्नारक ने अपनी माँ को पूरी घटना सुनाई तो उसे विश्वास नहीं हुआ और हुस्नारक को यह कहकर तसल्ली दी कि उसने कोई सपना देखा होगा। लेकिन वजीर का बेटा ये सब मानने को तैयार नहीं था। एक ही सपना बार बार क्यों दिखाई देगा, और वो भी दोनों को? लगातार 3 रातों से मैं सारी रात ठंड में ठिठुरता रहा हूँ। 3 बार कोई हमें पलंग समेत उठाकर ले जाता है और किसी अनजान जगह पहुंचा देता है जहां कोई गैर युवक पहले से मौजूद होता है। ऐसी जिंदगी से मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं हुस्नारा को तलाक देता हूं। मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। <laughs>
जैसे ही 3 महीने पूरे हुए, अलादीन ने अपनी माँ को सुल्तान के पास भेज दिया। उसे देखते ही वजीर ने फिर चाल चली और सुल्तान के कान में कुछ कहा। वजीर की बात सुनने के बाद सुल्तान ने कहा, सुल्तान को अपना वादा याद है और हम तुम्हारे बेटे से हुस्न आरा की शादी करने के लिए रजामंद हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? हाँ, अपने बेटे से कहो कि वो हमें 40 सोने के थाल भेजे जो 40 अफ्रीकी गुलामों के सिरों पर रखे हों। ये सब वजीर की चाल है। वो जानता है कि तुम सुल्तान की ये शर्त पूरी नहीं कर सकोगे। मैं हुस्न आरा के लिए बड़ी से बड़ी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अलादीन ने जिन को हुक्म दिया और 40 गुलाम वहाँ प्रकट हो गए। वो सब के सब बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। आगे आगे अलादीन की माँ और उसके पीछे थाल सिरों पर रखे अफ्रीकी गुलाम सुल्तान के महल में पहुंचे। सुल्तान ने भेंट स्वीकार करते हुए अलादीन की माँ से कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप अपने बेटे की शादी की तैयारियां कीजिए। मुझे खुशबू में नहलाओ और शानदार पोशाक पहनाओ। मुझे एक ऐसा घोड़ा भी चाहिए जिस पर सवार होकर मैं जाऊंगा। 20 गुलाम मेरी अगुवाई करेंगे। इसके अलावा 6 गुलाम मेरी माँ के साथ रहेंगे। सुल्तान को देने के लिए 10,000 अशरफियां चाहिए जो 10 थालों में उसे भेंट की जाएं। और एक बात और, एक ऐसा महल बनाओ जिसकी दीवारें और छत सोने चांदी की हों, जिसके दरवाजों और खिड़कियों में हीरे जवाहरात जड़े हों, उस महल में नहरें हों, फव्वारे लगे हों, घोड़ों के लिए अस्तबल और गुलामों के रहने के लिए अलग अलग कमरे हों। अलादीन के कहने की देर थी कि चिराग के जिन ने उसकी कल्पना के अनुसार महल तैयार करा दिया। अलादीन ने देखा कि ये कालीन उस महल से सुल्तान के महल तक बिछा हुआ है। अगले दिन बड़ी धूमधाम से अलादीन की शादी हुस्न आरा से हो गई और दोनों आराम से जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन अफ्रीकी जादूगर को जादुई गोले द्वारा पता चल गया कि अलादीन न केवल उस गुफा से जिंदा निकल आया बल्कि सुल्तान की बेटी से विवाह करके शानदार जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सब उस चिराग की करामात है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और चिराग लेकर ही दम लूंगा। वो जादूगर उड़ता हुआ चीन की राजधानी जा पहुंचा। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक शानदार महल पर पड़ी। वो नीचे उतर आया और एक राहगीर से पूछा, ये किसका महल है? अरे वाह, तुम इतना भी नहीं जानते? भाई मैं परदेशी हूँ और इस शहर में आज ही आया हूँ। अरे भाई, ये अलादीन का महल है। ये कोई मामूली महल नहीं है, ये दुनिया का 7वां अजूबा है। ये सब उसी चिराग का जलवा है। अलादीन शिकार खेलने के लिए जंगल गया हुआ था और हुस्न आरा की कनीजें उसे सजा संवार रही थीं कि तभी एक आवाज ने हुस्न आरा को चौंका दिया। पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लो। जरा देखो तो, ये कौन आवाज लगा रहा है? एक बूढ़ा पुराने चिराग के बदले नया चिराग दे रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं पहले भी ये आवाज सुन चुकी हूँ। मैंने उसे झरोखे में से देखा था। एक पुराना चिराग हमारे पास भी है, जाओ उसके बदले नया चिराग ले आओ।
जी बहुत अच्छा। जादूगर ने कनीज से चिराग लेकर देखा, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान बिखर गई। हाँ, यही है वो चिराग जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। ये लो बेटी, नया चिराग लो, इससे बढ़िया चिराग लो। शुक्रिया बाबा। जादूगर ने चिराग अपने झोले में डाला और वहां से गायब हो गया। पलक झपकते ही वो शहर के बाहर एक वीरान जगह खड़ा था। उसने चिराग घिसा। कहो मेरे आका, क्या हुक्म है? अलादीन का महल उसकी पत्नी सहित उठाकर अफ्रीका के एक सुनसान इलाके में पहुंचा दो। जो हुक्म मेरे आका। अगली सुबह सुल्तान ने अपने महल में से देखा कि अलादीन का महल गायब है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने वजीर को बुलवाया। वजीर को भी महल नजर नहीं आया तो अलादीन की तलाश में सैनिक भेजे। अलादीन को बेड़ियों में जकड़कर सुल्तान के सामने लाया गया। बताओ, तुमने मेरी बेटी को कहाँ गायब किया है? मैं खुद नहीं जानता कि मेरी हुस्नारा कहाँ है, न वो महल है जो मैंने उसके लिए बनवाया था। ये सब मेरे पीछे हुआ है। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ, जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। रात अलादीन पागलों की तरह पूरे नगर में भटकता रहा। वो हर एक से हुस्नारा के बारे में पूछता। लोग उस पर तरस खाते और आगे बढ़ जाते। आखिर उसने मरने का निश्चय कर लिया और एक नदी के किनारे पहुंच गया। नदी में छलांग लगाने से पहले वो अंतिम बार प्रार्थना करना चाहता था कि तभी उसकी अंगूठी किसी चीज से रगड़ खा गई और अंगूठी का जिन प्रकट हो गया। हुक्म मेरे आका। मुझे बचा लो दोस्त और मेरा महल वापस ला दो। ये मेरी शक्ति से बाहर है आका। इस काम के लिए आप चिराग के जिन को हुक्म दीजिए। मैं तो केवल इस अंगूठी का गुलाम हूँ। लेकिन तुम मुझे मेरी बीवी के पास तो पहुंचा सकते हो। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ। कुछ ही क्षणों बाद अलादीन महल के सामने मौजूद था। यह संयोग ही था कि उस समय हुस्नारा भी खिड़की में ही खड़ी थी। उसने अलादीन को देखा और ऊपर आने का संकेत किया। अलादीन हुस्नारा के पास पहुंच गया। हुस्नारा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो और बताओ कि यह सब कैसे हुआ। तुम उस अफ्रीकी जादूगर के कब्जे में कैसे पहुंची? अलादीन, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं उस चिराग के बारे में ये नहीं जानती थी कि वो जादुई चिराग है। जिस दिन तुम शिकार खेलने गए हुए थे, इस जादूगर ने धोखे से वो चिराग हथिया लिया और उसके जिनके जरिए महल समेत मुझे यहाँ अफ्रीका ले आया। सचमुच तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो तुम उसके बहकावे में आ गई। अब वो मुझे शादी करने पर मजबूर कर रहा है। वो कहता है कि मेरे बाप ने तुम्हें मरवा दिया है, लेकिन मैंने कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम जरूर आओगे और इस जादूगर से मुझे छुटकारा दिलाओगे। अब ये रोना धोना छोड़ो और ये बताओ कि वो जादुई चिराग है कहाँ? उसे वो जादूगर अपने कपड़ों के अंदर अपनी छाती से बांधे रखता है। ठीक है, अब तुम उस पर जाहिर करो जैसे तुम उससे शादी करने के लिए राजी हो गई हो और ये दवा किसी बहाने उसे पिला दो। ठीक है।
हुस्नारा, ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि क्या ये वही तुम हो जो हर दम आंसू बहाती रहती थी, बिखरे बाल, परेशान हाल। मैंने सोचा आंसू बहाने से अब क्या फायदा, जो होना था सो हो गया, अब नए सिरे से जिंदगी शुरू की जाए। तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? भला ये भी कोई पूछने की बात है? अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। ये बात कहकर तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। आओ शादी का जश्न मनाएं। लो जामे मोहब्बत पियो, खास तुम्हारे लिए। अरे अपने हाथों से पिलाइए। ये तुमने क्या पिला दिया मुझे? अलादीन आ जाओ, दरवाजा खुला है। तो जहर ने अपना काम कर ही दिया, इसका यही अंजाम होना था। अच्छा हुआ ये मर गया। इसके जिंदा रहते हम कभी ना मिल पाते। अब तो इस जालिम से छुटकारा मिल गया है। हाँ चलो चलो वापस चले, हमें देखकर सुल्तान और अम्मी बहुत खुश होंगे। चलो। कहो मेरे आका, क्या हुक्म है? मुझे और हुस्नारा को इस महल समेत हमारे मुल्क पहुंचा दो। जो हुक्म मेरे आका। Thank you.